वेलकम बैक टू लक्स परफेक्ट ब्राइड। मैंने आपको बताया था मैं आपको उस कन्या से मिलवाऊंगा जिसका दिल टूट गया था इसी मंच पर, लेकिन उसकी मीठी मुस्कुराहट ने सारे दुखों को खामोश कर दिया, उसके स्वाभिमान ने सबके दिलों को रोशन कर दिया, और उसकी विदाई के बाद आज भी उसकी यादें मम्मी महल में गूंजती हैं। ये देखिए, इन दो कन्याओं में से किसी एक कन्या को आज विदाई से बचा सकते हैं। तो बताइए, आप किस कन्या को आज बचाना चाहेंगे? अति मैं वृंदा को बचाना चाहूंगा इस बार। बुरा लग रहा है कि अगेन एक और डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ से विदा हो गए। ऑब्वियसली मुझे तो बहुत बड़ा धक्का लगा ही है, एंड आई डेफिनेटली मिस हर अ लॉट। जब मैं और गोपी पहली बार मिले थे तो वो दो रोज लेके आए थे, टू येलो रोजेस। एक उनने मुझे दे दिया था और एक खुद रख लिया था। तो गुरप्रीत अभी जब जा रहे थे तो उनके पास वाला जो रोज था वो मुझे लेके चले गए, तो फिर वापस मुझे रोज मिसिंग मिला, क्योंकि मैं सुबह एक बार देखता हूँ उसको रोज। तो वही चीज़ मैं पूछ रहा था कि कहाँ चला गया वो। सूखा हुआ है लेकिन उसमें अभी खुशबू है। गुरप्रीत जैसा बच्चा जो कल उसके सिर पे क्राउन रखा, खुश थी वो। बस बस, हम समझते थे कि उसका वो यहाँ से जाना ठीक नहीं था। इस बात का मुझे बहुत बहुत दुख है और मैं काफी दुखी रही हूँ इस बात से। हितेश की मामी जी, क्या आपको अफसोस है इस बात का कि आपकी वजह से गुरप्रीत यहाँ से विदा हो गई? वो मेरी वजह से नहीं, मेरे बेटे की वजह से यहाँ से विदा हो गई। आज तक मैं इससे नाराज हूँ, इस बात से कि मम्मी ने बुलाया और बेटे ने बचाया। माँ बेटे की वहां पे अनबन ही हो गई कि ये तुमने क्या किया। मैं सच में उस लड़की को हर हालत में रखना चाहती थी। वो बड़ी ब्रेव गर्ल थी, बड़ी अच्छी लड़की, और दिल की इतनी अच्छी कि मैं जिसका कोई आपको बता नहीं सकती। हमारे कन्या महल की जान थी। ठीक है, हमने आपकी बातें सुनी दूसरी तरफ, लेकिन अभी कुछ खास लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आप मंच पर आइए। Thank you.